बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने बैंडविड्थ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंड्स जैसे कि ब्रॉडबैंड, बेस बैंड, नैरो बैंड और वॉइस बैंड की डिटेल्स देखी थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है कम्युनिकेशन मीडिया। और आज के टॉपिक के अंदर हम कम्युनिकेशन मीडिया की अलग अलग टाइप्स और उन टाइप्स में सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल की डिटेल्स देखेंगे। तो दोस्तों आइए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। दोस्तों कम्युनिकेशन मीडिया की डेफिनेशन क्या है? फॉर डेटा टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर सम ऑफ द पाथवे और मीडियम मस्ट बी रिक्वायर्ड। तो दोस्तों आम जिंदगी में भी जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम किसी न किसी रास्ते का इंतखाब जरूर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही डेटा कम्युनिकेशन में जब हमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है तो वो भी किसी न किसी रास्ते के थ्रू ही जाता है। और इस तरह के पाथवे को, इस तरह के रास्ते को कम्युनिकेशन मीडिया कहा जाता है। सो ये देखें फ्रेंड्स, दीज पाथवेज आर कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। तो दोस्तों ये सेंडर है और ये रिसीवर है। तो जब ये सेंडर इस रिसीवर को डाटा भेजेगा तो इस रास्ते के थ्रू भेजेगा और ये रास्ता डाटा कम्युनिकेशन की जबान में कहलाएगा चैनल्स, जिसके जरिए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। इस कम्युनिकेशन चैनल को दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, गाइडेड मीडियम और अनगाइडेड मीडियम। और गाइडेड मीडियम जिसको वाइड मीडियम भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर केबल्स के जरिए, वायर्स के जरिए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। और गाइडेड मीडिया को के कुछ टाइप्स हैं जिनको हम आपके सिलेबस में कवर करेंगे, जिनमें सबसे पहले है ट्विस्टेड पेयर, देन कोएक्सियल केबल और आखिर में है ऑप्टिकल फाइबर केबल। बिल्कुल इसी तरीके से अनगाइडेड मीडिया को वायरलेस मीडिया भी कहा जाता है क्योंकि इसके जरिए, इसके अंदर वेव्स के थ्रू डाटा को ट्रैवल करवाया जाता है। और इसके अंदर हम जिन टाइप्स को पढ़ेंगे उनमें हम माइक्रोवेव्स को, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को और मोबाइल कम्युनिकेशन की डिटेल्स इसके अंदर देखेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला मीडियम है गाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम क्या होता है? इट रेफर्स टू द चैनल दैट अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा थ्रू अ फिजिकल मीडियम। यानी ये एक ऐसा चैनल होता है जो डाटा को ट्रांसफर करने के लिए फिजिकल और टेंजिबल मीडियाज का इस्तेमाल करते हैं। यानी इस तरह के चैनल्स जिनको हम छू सकते हैं जैसे कि वायर्स और केबल्स वगैरह। तो दोस्तों इसको गाइडेड मीडियम इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से वायर के जरिए जोड़ा जाता है। तो वो वायर यानी केबल गाइडेड होती है, मींस जहां जहां से केबल जाएगी डाटा भी बिल्कुल उसी वे में ट्रेवल करेगा। तो इसीलिए इसे गाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बाउंडेड मीडियम। इसके साथ साथ इसको बाउंडेड मीडियम भी कहा जाता है क्योंकि डाटा केबल पर डिपेंडेंट होता है और अगर उस केबल के अलावा कोई और बेस्ट रास्ता मौजूद है तब भी वो वहां से नहीं जा सकता क्योंकि डाटा केबल पर बाउंड होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बाउंडेड मीडियम। दोस्तों इस तरह की बहुत सारी केबल्स को हम डाटा कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, जिनमें सबसे पहली केबल है ट्विस्टेड पेयर, देन कोएक्सियल केबल और उसके बाद है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर जैसे के नाम से पता लग रहा है कि इसमें दो वायर्स होती हैं जिन्हें इस तरीके से ट्विस्ट किया जाता है तो वो एक पेयर की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, इसीलिए इन्हें ट्विस्टेड पेयर का नाम दिया गया है। फ्रेंड्स ये देखें, ट्विस्टेड पेयर केबल नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ टू वायर्स इंडिविजुअली इंसुलेटेड इन प्लास्टिक। दोस्तों इसके अंदर तमाम वायर्स को दो दो में डिवाइड कर लिया जाता है और इन दो दो में डिवाइड करके इनका एक पेयर बना लिया जाता है और उन पेयर्स को प्लास्टिक के ऊपर कवर कर दिया जाता है। दोस्तों प्लास्टिक पर इसीलिए कवर किया जाता है ताकि सिग्नल बाहर ना निकल सके और इस प्लास्टिक को इंसुलेटर का नाम दिया जाता है। देन ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, फिर इन दोनों को आपस में ट्विस्ट किया जाता है, आपस में मड़ोड़ा जाता है एंड बैंड टूगेदर इन अनदर लेयर ऑफ प्लास्टिक इंसुलेशन। और उसके बाद इन तमाम वायर्स को, इन तमाम पेयर्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है
और बैंड कर दिया जाता है इनके ऊपर एक प्लास्टिक इंसुलेशन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एक प्लास्टिक इंसुलेटर है। तो दोस्तों ट्विस्टेड पेयर केबल में 2, 4 और 8 वायर्स होती हैं जो कि कॉपर की होती हैं। ये जो वायर्स नजर आ रहे हैं ये कॉपर्स की वायर है। उन वायर्स से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मूव करवाया जाता है, देन उन वायर्स को ट्विस्ट किया जाता है जिसकी वजह से ये एक एक पेयर की शक्ल में दिखती हैं और हर वायर पर एक प्लास्टिक लगा दिया जाता है ताकि करंट बाहर ना आ सके, क्योंकि करंट प्लास्टिक से नहीं गुजर सकता। तो दोस्तों यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इन वायर्स को ट्विस्ट क्यों किया जाता है, इन्हें सीधे सीधे भी तो रखा जा सकता है। तो दोस्तों ये देखिए, दिस ट्विस्टेड पेयर कॉन्फिग्रेशन somewhat reduces interference from electrical fields or noise. दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि twisted pair cables में wires होती हैं और हर wire से एक electrical signal move कर रहा होता है और electrical signal produce होता है electrical fields के जरिए, और क्योंकि तमाम wires एक दूसरे से बहुत करीब करीब होती हैं, जैसे कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं, जिनकी वजह से एक वायर में मौजूद सिग्नल की इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे वायर के सिग्नल की इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरफेयर कर सकती है, दूसरे वायर के सिग्नल से टकरा सकती है, जिसकी वजह से सिग्नल में नॉइज बढ़ जाती है। और नॉइज एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि सिग्नल को खराब कर सकता है। तो इसीलिए वायर्स को आपस में ट्विस्ट किया जाता है, और जब वायर्स को ट्विस्ट करने की वजह से एक वायर का सिग्नल दूसरी वायर के सिग्नल को, जो कि आपस में इंटरफेयर करने वाले थे, उन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं। इस तरीके से सिग्नल्स को नॉइज से बचाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि इन वायर्स को आपस में ट्विस्ट क्यों किया जाता है। आइए हम देखते हैं कि ये कहां-कहां यूज की जाती है। दीज वायर्स आर यूज्ड इन टेलीफोन लाइंस फॉर शॉर्ट डिस्टेंस डिजिटल ट्रांसमिशन। ये इस तरह की वायर्स हैं जिन्हें हम कम से कम डिस्टेंसेस पर जो डाटा ट्रांसफर होता है वहां यूज करते हैं, जैसे कि टेलीफोन लाइंस वगैरह, जिन पर सिर्फ वॉइस सिग्नल को ही कैरी किया जा सकता है और इनका ट्रांसमिशन रेट बहुत कम होता है। इट्स बैंडविड्थ इज लेस देन अदर केबल्स। दोस्तों जो आगे हम केबल्स पढ़ेंगे उनकी निस्बत इसकी बैंडविड्थ सबसे कम होती है। ना सिर्फ बैंडविड्थ कम होती है बल्कि ट्रांसमिशन रेट भी कम होता है। सो ये देखें, डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज अप टू 9600 bps इफ द डिस्टेंस इज नॉट मोर देन 100 meters। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल मूव कर रहा होता है, तो 100 meters के बाद सिग्नल वीक होने लग जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कम होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो आगे मूव नहीं कर पाता। इसीलिए आमतौर पर इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में अगर कम्युनिकेशन करनी है जो कि 100 मीटर्स के अंदर अंदर हो, तो उसमें ट्विस्टेड पेयर यूज की जा सकती है। और 100 मीटर्स के बाद सिग्नल्स को रीस्ट्रेंथ करने के लिए उसे रिपीटर्स को यूज किया जाता है। यानी 100 मीटर्स तक आपका सिग्नल बिल्कुल सही जा रहा था, और जैसे ही 100 मीटर्स कंप्लीट हुए सिग्नल वीक होना शुरू हो गया। और हम ये जानते हैं कि जब सिग्नल वीक होता है तो डाटा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए अगर आप अपने डाटा को और आगे मूव करवाना चाहते हैं तो एक डिवाइस यूज की जाती है जो कहलाती है रिपीटर, जिसको यूज करने के बाद अब 100 मीटर्स के बाद भी बगैर वीक हुए अपने सिग्नल्स को आगे कैरी कर सकते हैं, अपने डाटा को और आगे यानी 100 मीटर्स के बाद भी ट्रांसफर कर सकते हैं। सो आप ये देख सकते हैं, द डिजिटल सिग्नल कैन बी स्ट्रेंथेन और रिफ्रेश्ड एवरी कपल ऑफ मीटर्स बाय यूज ऑफ डिवाइसेस कॉल्ड रिपीटर्स। और एक और अहम बात, इसमें अगर दो डिवाइसेस के दरमियान आपको डाटा ट्रांसफर करना है और उनके दरमियान डिस्टेंस 100 मीटर से कम है, तो डाटा 9600 बिट्स बीपीएस यानी 9600 बिट्स को एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जैसे जैसे डिस्टेंस 100 मीटर से बढ़ता जाएगा डाटा ट्रांसमिशन रेट कम होता रहेगा। इसीलिए वी कैन से कि ट्विस्टेड पेयर केबल इज रिलेटिवली स्लो, यानी इससे जो डाटा ट्रांसफर होता है उसकी स्पीड काफी स्लो होती है, लेकिन इट इज एन इनएक्सपेंसिव मीडियम ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। दोस्तों ये दूसरी केबल्स की निस्बत इसको सेटअप करना, इसमें ट्रांसमिशन करवाना
आसान होता है और इसमें कीमत भी कम रिक्वायर्ड होती है, बट इट डज नॉट प्रोटेक्ट वेल अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। यानी इसके जरिए आप पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को नहीं रोक सकते, यानी इसके चांसेस इस केबल के जरिए अगर आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो उसके अंदर नॉइस आना, डाटा का लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो दोस्तों इसीलिए वी कैन से कि ये इतना ज्यादा रिलायबल नहीं है और मीडियाज की निस्बत, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, इसीलिए अब इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता। तो दोस्तों ये था ट्विस्टेड पेयर केबल। अगले लेक्चर में हम कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल की डिटेल्स देखेंगे।